वंदे गुजरात। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीता सरन दुबे फ्रॉम सेटसियल हिंदी हाई स्कूल रखियाल। मित्रों, टुडे वी सेल लर्न अ पोएम वन माय सॉन्ग विच रिटर्न बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। यूनिट वन माय सॉन्ग विच रिटर्न बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। मित्रों, इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग विषयांक के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो हु रोट आवर नेशनल एंथम एंड यू नो अबाउट आवर नेशनल एंथम। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दोस्तों, ये जन गण मन ये हमारा नेशनल एंथम है, और कोई भी हमारे आप लोग के भी स्कूल में, हमारे जो भी स्कूल है पूरे भारत के स्कूल में, प्रेयर के समय इसको गाया जाता है। इसको राष्ट्रगान कहते हैं। नेशनल एंथम जो राष्ट्रगान है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और इसके बारे में बताया जाता है जो जन गण मन है। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इट इज द हिंदी वर्जन ऑफ अ सॉन्ग ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली बाय पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन जो है वो भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है, और जिसको हिंदी में कंपोज किया गया था, और इसको ये एक्चुअली में ओरिजिनल में बंगाली लैंग्वेज में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया और उसको हम लोग पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, द सॉन्ग वॉज एडॉप्टेड इन इट हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एज द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। हमारे विधानसभा में, हमारे जो संसद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र जो नेशनल एंथम के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया। और इसका जो रूल्स है वो ये है कि इस राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसे हमें 52 सेकेंड में ही गाना है। अ फॉर्मल रेंडिएशन ऑफ द नेशनल एंथम टेक्स अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड। एंथम्स, दोस्तों, टैगोर इज द only person to have written anthem for 3 countries। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ही ऐसे भारतीय हैं, या ऐसे बोल सकते हैं वो ऐसे पोएट हैं जिन्होंने 3 देशों के लिए उन्होंने राष्ट्रगान लिखा। जन गण मन, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, वॉज वन ऑफ द वर्क ऑफ टैगोर, जिसमें से पहला उन्होंने जन गण मन भारत के लिए लिखा। दूसरा जो है अमर सोनार बंगला, अमर सोनार बंगला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश विच वॉज ऑल्सो रिटर्न बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमर सोनार बंगला, उसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और जो तीसरा है श्रीलंका का मथा, द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका, द बंगाली वर्जन ऑफ विच वॉज रिटर्न बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड वॉज लेटर ट्रांसलेट इन टू सिंहला बाय आनंद हिज स्टूडेंट।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जनगण मन अमर सोनार बंगला और श्रीलंका का जो मथा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ही इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ही इज़ अ वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट, फिलोसोफर, ये सभी इनके पास क्वालिटी थे, लेकिन जितनी ऊंचाई पे इनकी ज़िंदगी थी शायद उनके जो उनकी लाइफ था वो भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था और काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था। रविन्द्रनाथ टैगोर इस जो पोयम है माई सॉन्ग उसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अब उसमें अबाउट टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, टैगोर्स वर्क के बारे में पढ़ेंगे और जो इनकी वर्ल्ड फेमस गीतांजलि जो इन्होंने लिखा था उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि भाई इन्होंने गीतांजलि क्यों लिखा और गीतांजलि में कितने सॉन्ग है, और उसके बाद माई सॉन्ग जो हमारा आज का कंटेंट है, जो यूनिट है, यूनिट नंबर वन, और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था, 7 मई 1861 1861 में, और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था। ही वॉज अ पोएट ऑफ इंडिया, हिज नेम इज रिटर्न एज रविंद्रनाथ ठाकुर इन इंडियन लैंग्वेजेस। ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर एंड एन आर्टिस्ट, ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर एंड एन आर्टिस्ट। He wrote many stories, novels, poem and dramas. He is also very well known for composing music. His writing generally influenced Bengali culture during the late 19th century and early 20th century. In 1913, he won the Nobel Prize in Literature. He was the first Asian ever to win this prize. दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था, ये भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और जिनको हम लोग इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से जानते थे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर थे, आर्टिस्ट भी थे, जिन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, कविता, ड्रामा, ये सभी इन्होंने लिखा था, और इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता था ये म्यूज़िक कंपोज भी करते थे, और ये 19वीं सदी की शुरुआत और लेट 19वीं सेंचुरी और अर्ली 20वीं सेंचुरी में इनके बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास बंगाली भाषा में प्रकाशित हुए थे। इन 1913 में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया जब पूरे विश्व में से सबसे पहले इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ इनको मिला, और ये एशिया के पहले ऐसे भारतीय नागरिक हुए जिन्होंने लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज़ इनको मिला। वो नोबेल प्राइज़ इनको गीतांजलि, इन्होंने जो इनका जो वर्क था, जो सॉन्ग ऑफरिंग था, गीतांजलि के ऊपर मिला था। टैगोर वॉज पॉपुलरली नॉन एज गुरुदेव, दोस्तों टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते थे। हिज मेजर वर्क इंक्लूड गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, जिसमें करीब 157 सिर्फ सॉन्ग है, और वर्ल्ड फेमस पोएट्री बुक गीतांजलि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें 157 सिर्फ और सिर्फ कविताएं हैं, उनके सॉन्ग हैं, उनके गीत हैं। इसके अलावा उन्होंने गोरा नाम का एक उपन्यास लिखा जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेयर फेस, और उसके बाद घर बार भी इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द होम एंड द वर्ल्ड, एंड मैनी अदर वर्क ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। इन्होंने दोस्तों बहुत से अलग अलग कार्य किए लिटरेचर, साहित्य पे और कला पे। टैगोर वॉज ऑल्सो अ कल्चर रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज बंगला। टैगोर दोस्तों वो एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति थे जो कल्चर को रिफॉर्म करते थे, कल्चर को काफ़ी ज़्यादा और एक्सप्लेन करते थे, और वो मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे कि हमारे जो मॉडर्नाइज हो। ही मेड इट
पॉसिबल टू मेक द आर्ट यूजिंग द डिफरेंट फॉर्म एंड द स्टाइल। वो एक खुले सोच वाले व्यक्ति थे, जो एक फ्री माइंड वाले व्यक्ति थे, जो हमेशा ये सोचते थे कि जो आर्ट है उसको अलग अलग प्रकार से यूज़ करें, विच द आर्ट यूजिंग द डिफरेंट फॉर्म एंड द स्टाइल। एंड टैगोर डाइड ऑन 7th August 1941 इन बंगाली। अगेन काफ़ी शॉर्ट समरी में हम देखते हैं, उनका बर्थ 7 मई 1861 में, प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता, फादर्स नेम देवेंद्र नाथ ठाकुर, मदर नेम श्रीमती श्रद्धा देवी, ग्रैंडफादर श्री द्वारकानाथ टैगोर। पहली स्कूल जो उनकी थी ओरिजिनल सेंट मरी थी, सेकंड जो इनकी स्कूल थी नॉर्मल स्कूल था, थर्ड इन्होंने जो स्कूल चेंज किया वो बंगला एकेडमी में गए, और फोर्थ वो गए सेंट जेवियर्स स्कूल। और लेकिन इन्होंने बाकी जो पढ़ाई किया वो फिर वो एक फ्री माइंड वाले व्यक्ति थे, इसलिए ये अमेरिका से वापस आ गए। हम आगे पढ़ेंगे। इनका जो ऑक्यूपेशन था, ही वॉज अ पोएट ऑल्सो, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट राइटर एंड पेंटर। अवार्ड टाइटल वी कॉल्ड गुरुदेव, एंड अवॉर्ड ही गॉट द इन 1913 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, एंड हिज डेथ 7th August 1941। इनकी जो बच्चों लाइफ हिस्ट्री है, टैगोर का जन्म फिर से 6th May 1861 बंगला में हुआ, और प्रॉस्पेरियस फैमिली, काफ़ी मतलब प्रसिद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ। हिज फादर, इनका जो फादर थे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, और जो एक अ वेल नॉन हिंदू रिफॉर्मर थे, मतलब हिंदू जाति को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर बनाने वाले रिफॉर्मर थे, एंड मिस्ट्रिक। एंड हिज मदर, उनकी जो माँ थी श्रीमती श्रद्धा देवी। एट प्राइमरी लेवल हिज फादर प्रोवाइड हिम एजुकेशन इन संस्कृत लैंग्वेज और इंडियन फिलोसॉफी एंड एस्ट्रोनॉमी। उनके जो पापा थे, उनके जो फादर थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर टैगोर, वो इनको प्राथमिक जो प्राइमरी शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में उन्होंने दिलाया, और जिससे वो भारतीय जो फिलोसोफर हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनके बारे में जान सके, और एस्ट्रोनॉमी मतलब जो ग्रह नक्षत्र या इस सब के बारे में जान सके। फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू बंगला एकेडमी, वेयर इन ही डेवलप एन अवर्जन टू द प्रिविलेंट डूरी डूल रिग एंड डूल एजुकेशन। फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर को बंगाल एकेडमी में भेजा, जहाँ पर उन्होंने अपने जो है डेवलप किया, अपना एक्सपीरियंस डेवलप किया, डल रिलीट एंड डल एजुकेशन। ही वॉज देन सेंट टू इंग्लैंड, वेयर इन ही लेफ्ट इट एंड फर्दर स्टडी ऑन हिज ऑन। उसके बाद महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इंग्लैंड में भेज दिया, जिससे वो वहाँ पर अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा कर सके, लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों ये पूरे अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए। And he left it and further study on his own. He gradually start writing in the magazine. और वहाँ पर इंग्लैंड में इन्होंने मैगजीन में कुछ आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया। He turned into a poet. और वहाँ पर ये जो इनके वर्क थे जो मैगजीन में लिखते थे, he turned into a poet. वो एक अच्छे कवि भी बने, dramatist, philosopher and painter. He was then awarded the title of Gurudev, और वहीं पर इनको गुरुदेव का टाइटल भी मिला। He got the Nobel Prize in 1930 for गीतांजलि। फिर से दोस्तों, उनको 1913 में गीतांजलि, जो उन्होंने कविता लिखी थी, जो उन्होंने सॉन्ग, जो उनको गीत थे करीब 157, उसके लिए उनको 1913 में नोबल प्राइज मिला। Then Indian government awarded him विथ, उस समय हमारा जो देश थे, हमारा जो देश था दोस्तों वो ब्रिटिश के अंडर में था, इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस समय हमारे वहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम विद द क्नाइटहुड,
के नाम से उनको बेस्ट अवार्ड भी मिला 1915 में, 1915, विच ही इवेंचुअली गिव अवे आफ्टर अ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। लेकिन 1915 में जब इनको क्नाइटहुड का बेस्ट अवार्ड मिला, तो उसके बाद जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसके लिए जब उन्होंने अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उनको अवार्ड दिया था क्नाइटहुड, वो वापस उन्होंने कर दिया। ही एस्टाब्लिश विश्व भारती ऑन 2 सितंबर 1921, और उन्होंने आगे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोग जो फ्री माइंड है वो कभी भी बंद कमरे वाली पढ़ाई नहीं समझते थे, वो ये सोचते थे कि टीचर इज़ अ बेस्ट फ्रेंड फॉर स्टूडेंट, जो टीचर है वो विद्यार्थी का सबसे अच्छा दोस्त है, इसके लिए उनको फ्री होके पढ़ना चाहिए, और देयर फॉर ही एस्टाब्लिश विश्व भारती ऑन 22 सितंबर 1921, हुज एम वॉज टू क्रिएट अ सिंथेसिस ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। वो विश्व भारती का उन्होंने एस्टाब्लिश जो किया, स्थापना किया, जहाँ पे उसको बोलते हैं शांति निकेतन, उन्होंने एक स्कूल बनाया शांति निकेतन, और इंटरनेशनल जो शांति निकेतन उन्होंने बनाया, उसका एक ही मकसद था कि ईस्ट और वेस्ट में अंतर, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भारतीय परंपरा के जो लोग थे, वो ईस्ट और मतलब जो पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता में क्या अंतर है, उसके बारे में जान सके, जिसके लिए उन्होंने विश्व भारती 22 सितंबर 1921 में उन्होंने बनाया। दोस्तों, उन्होंने कौन से नोवेल लिखे, तो बहुत सारे उन्होंने नोवेल लिखे, लेकिन कुछ नोवेल ऐसे थे जो काफ़ी फेमस हुए। टैगोर रोट 8 नोवेल एंड 4 नोवेल्स सच एज गोरा और चतुरंग और चोर ओढ़िया, और ये सभी द होम एंड द वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं घर बार, इस तरह इत्यादि, ये सब उन्होंने नोवेल लिखे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है। टैगोर कंपोज सम ब्यूटीफुल स्टोरीज विच आर वर्थी टू रीड। द हंग्री स्टोन इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट्स एंड काबुलीवाला इज अनदर विच डिस्पेट द फ्रेंडशिप ऑफ अ फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल एंड द लिटल मिनी इंस्टीड ऑफ देयर एज डिफरेंस। टैगोर्स नोवेल 8 नोवेल्स एंड 4 नोवेल्स सच एज गोरा, चतुरंग, चार ओढ़े एंड नकू दुबी, द होम एंड द वर्ल्ड, घर बार, दीज आर द नोवेल एंड स्टोरी बुक्स। टैगोर कंपोज सम ब्यूटीफुल स्टोरीज विच आर वर्थली टू रीड। द हंग्री स्टोन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। काबुलीवाला इज अनदर विच डिस्पेट द फ्रेंडशिप ऑफ अ फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल एंड अ लिटल मिनी इंस्टीट्यूट ऑफ their age difference. Books of play. Tagore wrote plays like Chitra, The Post Office, The King of the Dark Chambers. ये उन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब प्ले वाली बुक्स लिखी हैं। उनके जो बच्चों उनके जो नॉन फिक्शनल जो बुक्स हैं, टैगोर रोट सो मैनी बुक्स टैगोर रोट सो मैनी नॉन फिक्शनल बुक्स ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट लाइक इंडियन हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। हिज ट्रैवलग्स इजिली लेक्चर एंड लेटर्स आर कंप्लीट इन सेवरल वॉल्यूम्स। ही रोट साधना विच इंक्लूड आइडियल वे ऑफ स्पिरिचुअल अपलाइफमेंट। फिर से, बुक्स ऑफ प्लेस टैगोर रोट्स प्ले लाइक चित्रा, पोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स, और इनके जो नॉन फिक्शनल बुक्स थे वो थे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, लिंग्विस्टिक के ऊपर,
और स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। हिज ट्रैवलेक्स, जहाँ पे जाते थे वहाँ के बारे में भी लिखते थे। ऐसे इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी लिखे हैं, जो लेक्चर थे वो भी लिखते थे, लेटर कंपोज भी लिखते थे, ये अलग अलग वॉल्यूम में थे। और ही रोट साधना विच इंक्लूड द आइडियल वे ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। हिज फिलोसॉफी, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी फिलोसॉफी क्या थी, वो किस चीज के बारे में बिलीव करते थे। तो ही रीड अ वेदा, उन्होंने वेद के बारे में पढ़ा। एज अ वेदनिस्ट, वो काफ़ी मतलब वो वेदनिस्ट थे, वो वेदों के बारे में जानने वाले थे। तो वो क्या बोलते थे कि ही हैड अ फिल्म, ही हैड अ फॉर्म बिलीव इन द फिलोसॉफी ऑफ वेदा। वो जो वेदा के जो फिलोसॉफी थे, वेद के बारे में जो कहा गया था उसके बारे में बिलीव करते थे। डेट्स वाई ही कॉल्ड आई एम अ ब्रह्मा, ठीक है। वो क्या बोलते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ, बिकॉज मैं आई नो ईच एंड एवरीथिंग। He was a great poet, he was a great artist, he was a great philosopher, he was a great painter. That's why he believed in I am Brahma. There is a spiritual bond between man and man. ये एक bond है कि भाई वो अपने आप को ब्रह्मा मानते थे, क्योंकि he read and he know about Veda. वो वेद के बारे में पढ़े भी थे और वेद के बारे में जानते भी थे। And the individualist, he believed in giving the right type of freedom to individual. Every individual is unique. दोस्तों वो किस में बिलीव करते थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रीडम में बिलीव करते थे, आज़ादी के बिलीव करते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो ऐसा नहीं सोचते थे कि बंद कमरे में पढ़ा जाए। जैसे शांति निकेतन है, विश्व भारती है, उन्होंने विश्व भारती की जो स्थापना किया उसका एक ही कारण था कि वो खुले आसमान में पढ़े, ठीक है। और मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है। डैट्स वाई वी कॉल टीचर इज़ अ गुड फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। वो तीनों होते हैं, एक अच्छे फिलोसोफर भी होना चाहिए टीचर को, एक अच्छे गाइड भी होना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ की फ्रेंड। जब आप एक शिक्षक विद्यार्थी का अच्छा दोस्त बनेंगे, जब एक शिक्षक विद्यार्थी के अच्छे दोस्त बनेंगे, तो ही विद्यार्थी अपनी हर एक बात, अपनी छोटी से छोटी बात को भी वो शेयर करेंगे। हमने देखा है हमारे स्कूल में भी, या जब बहुत जगह भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ें टीचर से शेयर नहीं करते हैं, वो डरते हैं कि भाई कहीं ऐसा नहीं सर हमें डांटे या बोलें। उसका कारण क्या होता है कि टीचर के अंदर वो फ्रेंडशिप नहीं देखते। कभी कभी ये भी होता है कि देखते हैं कि बच्चे स्कूल में बहुत सारे सर हैं, 10-15 सर हैं, लेकिन बच्चे एक टीचर है वो सबका फेवरेट होता है। डैट्स वाई, बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड, वो स्टूडेंट का फ्रेंड है, वो विद्यार्थियों का मित्र है, इसके लिए विद्यार्थी अपने सब बात उसके डिस्कस करते हैं। टैगोर ने भी जो विश्व भारती की जो स्थापना किया, जो शांति निकेतन की स्थापना किया, टैगोर जी ने भी यही बताया है कि टीचर बिकम अ गुड फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। उस शिक्षक को विद्यार्थी का सबसे पहले मित्र बनना चाहिए, एक अच्छा गाइड बनना चाहिए और एक अच्छा फिलोसोफर बनना चाहिए। डेट्स वाई ही बिलीव कि आई एम अ ब्रह्मा एंड इट इज़ द स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन द मैन एंड द मैन, और टाइप ऑफ द फ्रीडम टू इंडिविजुअल, अभिव्यक्ति की आज़ादी होना जरूरी है। टैगोर इज एन आइडियलिस्ट, टैगोर इज एन स्पिरिचुअलिस्ट, टैगोर वॉज एन आइडियलिस्ट, टैगोर वॉज एज एन स्पिरिचुअलिस्ट, टैगोर वॉज एज अ ह्यूमनिस्ट। क्यों ऐसा? तो टैगोर वॉज एज एन आइडियलिस्ट, डैट मीन्स ही बिलीव डैट द मैन शुड लिव फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ विच लिबरल अस फ्रॉम साइकिल टू द बर्थ एंड द डेथ। आइडियलिस्ट ही हैड फेथ इन द एब्सोल्युटली द वैल्यू। वो ये बोलते थे कि जो मैन है, जो हम लोग हैं, द मैन शुड लिव फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ, सच्चाई हमारे साथ है, हमें सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ सर्कल, ये सर्कल है दोस्तों। हम पोएम में भी यही देखेंगे, जो टैगोर है, टैगोर जी इज एन आइडियलिस्ट, डैट मीन्स वो ये बोलते थे ये साइकिल है, आवर लाइफ इज अ काइंड ऑफ द साइकिल, बर्थ टू डेथ, फ्रॉम डेथ टू बर्थ।
जो जन्म लेता है उसे मरना ही है, ये पूरा साइकिल। डैट्स वाई वी कॉल्ड टैगोर वॉज एन आइडियलिस्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज टैगोर वॉज एन अ स्पिरिचुअलिस्ट। वो स्पिरिचुअल क्यों थे, वो बिलीव क्यों करते थे? तो उसका कारण हमने पहले भी देखा, क्योंकि ही नो अबाउट वेदा, वो वेदा के बारे में पढ़े हुए थे और वो ऐसा मानते थे कि आई एम ब्रह्मा, और इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, तो इसके लिए वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थे। और वो ऐसा बोलते थे, ही बिलीव डेट एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन। सभी को, इंडिविजुअल, हमें स्पिरिचुअल परफेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। और उसका एक जो सबसे सही मार्ग है वो है त्रुथ, सच्चाई। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, एकलो चलबो रे, ठीक है। उसमें वो बताए हैं कि जो बर्थ है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इंसान जो यहाँ पे जन्म लेता है वो अकेला होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेला ही अपना जो पूरा लक्ष्य है वो प्राप्त करता है। जो जन्म लेता है उसका कुछ ना कुछ एम होता है, वो उन्होंने बताया है। और द थर्ड इज़ ही वॉज एन ह्यूमनिस्ट। वो एक बहुत अच्छे मानववादी भी थे, और ही प्रचीज द ह्यूमन ब्रदरहुड, वो भाईचारे में सबसे ज़्यादा मानते थे। हैविंग द फेथ इन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, वो ये मानते थे कि हमें सबसे पहले एक अच्छा मानव बनना चाहिए, भाईचारे में बिलीव रखना चाहिए। ही रिमार्क डैट इवन गॉड डिपेंड अपॉन मैन फॉर परफेक्टिंग हिज यूनिवर्स। वो ये बोलते थे कि भगवान भी उस इंसान के ऊपर बिलीव करता है, डिपेंड है, जो पूरे विश्व में भगवान का प्रचार करता है। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो सत्संगकारी जो होते हैं वो सत्संग करते हैं, कभी जैसे माने आज अहमदाबाद में है, कल गांधीनगर में है, फिर कहीं बड़ौदा गए, फिर कहीं उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, फिर अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए। तो वो गॉड इज़ डिपेंड ऑन हिम, भगवान उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो उसका, भगवान का वो प्रचार कर रहा है, ठीक है। तो वो टैगोर वॉज ऑल्सो अ ह्यूमनिस्ट। वो मानव जाति पे ज़्यादा बिलीव करते थे। ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। वो नेचर के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। नेचर मीन्स प्रकृति। ही कंसिडर नेचर एज अ ग्रेट टीचर। रियली दोस्तों, वो किस में बिलीव करते थे? एज अ ग्रेट टीचर। और क्यों नेचर? क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, प्रकृति हमें सिखाती है, प्रकृति से हमें कलर मिलते हैं, प्रकृति से हमें श्वास मिलता है, प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है। जो उनके सभी कविता में, इवन जो उन्होंने गीतांजलि लिखा है उसमें भी उन्होंने इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। ही कंसिडर नेचर एज अ ग्रेट टीचर एंड अ गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ through the various form, colors, realms of nature. Tagore's internationalism, Tagore जो पूरे वसुदेव कुटुंबकम जिसको वो बोलते थे कि पूरा विश्व एक है, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में वो ज़्यादा बिलीव करते थे। और he was an adherent prophet of the world unity. He believed in world brotherhood. वो world brotherhood में ज़्यादा बिलीव करते थे। और वो एजुकेशन एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस में ऐसा बोलते थे कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम इज़ एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन फैकल्टीज फॉर अटेनमेंट ऑफ अ फुल लाइफ। और एजुकेशन एज अ हारमोनी में वो बोलते थे कि डैट एजुकेशन इज़ हाइएस्ट विच नॉट ओनली इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू अस बट ऑल्सो प्रमोट लव एंड फॉलोइंग फीलिंग बिटवीन अस एंड लिविंग बींग ऑफ द वर्ल्ड। भले पढ़ाई वो नहीं है कि आपके बारे में, पढ़ाई वो अच्छी नहीं होती है कि बहुत अच्छा आपने पढ़ लिया, PhD कर लिया, आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ गया, पढ़ाई, जबकि वो है कि आप एक दूसरे से प्यार से रहें, किसी के प्रति आपकी फीलिंग हो, और पीस, आप पूरे विश्व में आप पीस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दें, और जो उन्होंने बिलीव किया। टैगोर रोट फर्स्ट पोयम when he was only 8 years old। दोस्तों, उन्होंने उनकी लाइफ की सबसे पहली जो कविता लिखी जब वो सिर्फ 8 साल के थे, in 1877। और
when he was 16, जब वो 16 साल के थे, टैगोर पब्लिश्ड हिज फर्स्ट लार्ज पोएट्री कलेक्शन, और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने सबसे पहले पब्लिकेशन किया पूरे सबसे बड़े लार्ज पोएट्री कलेक्शन का. When he was 16, जब वो 16 साल के थे, he wrote his first short story and drama. 16 साल के उम्र में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली उनकी शॉर्ट स्टोरी लिखी और ड्रामा भी लिखा. इन फरवरी 1873 में एट द एज 11, 11 साल के जब वो थे, टैगोर वेंट विथ हिज फादर ऑन अ टूर ऑफ इंडिया, भारत यात्रा पे उन्होंने भेजा. अ टूर लेट्स सेवरल मंथ, कुछ महीनों का था. दे विजिट मैनी प्लेस इन इंडिया, भारत के अलग अलग जगह पे गए, इंक्लूडिंग अमृतसर इन पंजाब, ब्रिटिश इंडिया वहाँ पे थी पंजाब, डलहौजी इन हिमालय. टैगोर आल्सो विजिट हिज फादर्स स्टेट एट शांति निकेतन, वो उनके पापा के शांति निकेतन जो एक छोटा सा जगह था वहाँ पे भी गए. देयर ही रीड बायोग्राफी एंड स्टडी द हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न साइंस, संस्कृत एक्सेट्रा. और जो टैगोर थे वो सबसे ज़्यादा जो बिलीव करते थे, तो ही ऑल्सो रीड वर्क बाय कालिदास. कालिदास की बहुत सारे उन्होंने स्टोरी पढ़ी है और वही उनको कालिदास को फॉलो करते थे. इन 1878 टैगोर वेंट टू लंदन. 1878 में टैगोर लंदन गए. ही एनरोल एट अ पब्लिक स्कूल इन ब्राइटन, इंग्लैंड. इंग्लैंड के ब्राइटन में एक स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया. ही वॉन्टेड टू बिकम अ बैरिस्टर, उन्हें बैरिस्टर बनना था, वकील बनना था. लेटर ही स्टडी एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो बैरिस्टर की पढ़ाई की. बट लेकिन 1880 में, आफ्टर टैगोर डिड नॉट डू वेल इन स्कूल, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, हिज फादर कॉल्ड हिम बैक फ्रॉम लंदन. लंदन से उनके पिताजी ने वापस उनको बुला लिया. हिज फादर अरेंज अ मैरिज फॉर हिम विथ मरी नालिनी देवी, से उनकी शादी हुई और तब वो सिर्फ 10 साल के ही थे. दे गॉट मैरिड ऑन 9th दिसंबर 1883 और 1883 में उनकी शादी हुई और उनके 5 बच्चे थे. बट 2 डाइड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए. दोस्तों, यही उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. उनकी लाइफ पहले काफ़ी एन्जॉयबल थी, लेकिन जब उनके जो 5 बच्चों में से 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए, तो उन्होंने गीतांजलि लिखना शुरू किया. आगे हम लोग देखेंगे कि 1901 में टैगोर लेफ्ट सैलादास, ही वेंट टू शांति निकेतन, और वो शांति निकेतन में ब्यूल्ड एन आश्रम. शांति निकेतन में उन्होंने आश्रम बनाया, और वो भी पूरा आश्रम जो था मॉन्टेसरी इन इंडियन रिलीजियंस, भारतीय जो हमारा धर्म है उसके ऊपर ही उन्होंने बनाया था, बिकॉज ही बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर. इन इंग्लिश शांति निकेतन का मतलब होता है एन अबॉड, मतलब पीस, फॉर द प्लेस ऑफ पीस, वो जगह जहाँ पे शांति हो, डैट मीन्स शांति निकेतन. ही बिल्ट अ प्रेयर हॉल, वहाँ पे उन्होंने प्रेयर हॉल भी बनाया था, स्कूल जो था वो तो था ही, एंड अ लाइब्रेरी, उन्होंने लाइब्रेरी बनाया था. ही प्लांटेड मेनी ट्री एंड बिल्ट अ ब्यूटीफुल गार्डन, उन्होंने बहुत सारे जो ट्री है उसको कलर भी किया था वहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पेंटर थे. इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने बहुत अच्छा गार्डन भी बनाया था. दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि क्यों लिखी? तो गीतांजलि लिखने का रीज़न ये था, 1903 में, 1903 में टैगोर्स वाइफ, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे डैड इन शांति निकेतन. शांति निकेतन में ही उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे मर गए. और ये ही दुख अभी था ही कि 19 जनवरी 1905 में उनके जो रोल मॉडल थे, उनको जो इस मुकाम पे पहुंचाने वाले जो उनके फादर थे महर्षि देवेंद्रनाथ, उनका भी देहांत हो गया, जिसके कारण वो उन्होंने गीतांजलि लिखा.
उन्होंने गीतांजलि, उन्होंने एक उनकी एक उपन्यास है कादंबरी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दासता इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। उसका रीज़न ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा डीप डिप्रेशन में थे, उनकी वाइफ का देहांत हो गया था, उनके दो छोटे छोटे बच्चे का देहांत हो गया था, और 1905 में उनके फादर भी एक्सपायर हो गए थे। टैगोर हैड स्टार्टेड रिसीविंग द मंथली इनकम एज अ पार्ट ऑफ हिज इनहेरिटेंस, ही ऑल्सो स्टार्ट रिसीविंग सम रॉयल्टी फॉर हिज लिटरली वर्क। ही वॉज वेरी पॉपुलर अमोंग द रीडर्स ऑफ द बंगाली लैंग्वेज एज वेल एज द अदर पीपल हु नोन हिज वर्क थ्रू द ट्रांसलेशन एंड द रिसीविंग। ऑन 14th नवंबर, जब 1910 में उनका पूरा ये गीतांजलि उन्होंने कंप्लीट किया था दोस्तों, 1912 में उनका जो जो वर्क था गीतांजलि उन्होंने उन्होंने पब्लिश किया, और 14th नवंबर 1913 टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और द स्वदेश एकेडमी हैड सिलेक्टेड, और ही इज़ बेस्ड ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ हिज ट्रांसलेशन वर्क, एंड इन 1912 में वर्क ऑफ द पोएम नेम गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, उन्होंने गीतांजलि लिखा। अब दोस्तों गीतांजलि का ही एक पार्ट है, मैंने फिर से बताया था गीतांजलि में टोटल 157 उन्होंने पोएम कलेक्शन है। आज हम लोग टूडे नाउ वी शे लर्न द पोएम, आवर फर्स्ट पोएम माई सॉन्ग which written by Rabindranath Tagore. In this poem, Rabindranath Tagore remembering his child. वो अपने बच्चों को इसमें याद करते हैं। इस poem में वो क्या बोलते हैं? This song of mine will wind its music around you, my child, like the fond arm of love. This song of mine will touch your forehead like a kiss of blessing. When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear, and whisper in your ear. When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness. My song will be like a pair of wings to your dream. My song will be like a pair of wings to your dream. It will transport your heart to the verge of the unknown. It will be like the faithful star. It will be like the faithful star overhead. When dark night is over your road, my song will sit in the pupils of your eyes and will carry your sight into the heart of things. And will carry your sight into the heart of things. And when my voice is silent in death, when my voice is silent in death, my song will speak in your living heart. My song will speak in your living heart. Poem 1. In this poem, there are 7 stanza. Dosto, is poem mein, my song mein, karib 7 stanza hain. Usme jo sabse pehla hai, this song of mine will wind it music around you, my child, like the fond arm of love. इसमें सबसे पहले हम लोग ग्लोसरी देखते हैं कि ग्लोसरी में क्या क्या है। Mine, mine यानी मेरा या मेरे, आई प्रोनाउन से लिया गया है। विंड यानी
घेर लेना, हवा भी होता है इसका मतलब। इसके अलावा म्यूजिक, संगीत या गाना, अराउंड मतलब आसपास, फॉन्ट, आर्म्स मतलब बाहों में लेना। फिर से हम लोग देखते हैं, द सॉन्ग ऑफ माइन विल वाइंड इट म्यूजिक अराउंड यू, माई चाइल्ड लाइक द फॉन्ड आर्म ऑफ लव। ये जो सॉन्ग है, मेरे जो सॉन्ग है वो क्या करेंगे, तो मेरे जो सॉन्ग है वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। मेरे जो गीत हैं वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। माई चाइल्ड लाइक द फॉर्म आर्म्स ऑफ लव, किस से, तो प्यार से, प्यार की तरह, प्यार से मेरे जो गीत हैं वो आपको जकड़ लेंगे, जिससे आप कहीं दूसरे जगह आप ना जा सको। सेकेंड स्टेंजा दोस्तों, सेकेंड स्टेंजा में बताया है, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फॉरहेड एंड किस ऑफ ब्लेसिंग। मेरे जो सॉन्ग है वो क्या करेंगे, टच योर फॉरहेड, टच यानी छूना, योर यानी तुम्हारा, फॉरहेड, फॉरहेड यानी माथा, वो तुम्हारे माथा को छुएंगे और क्या करेंगे, किस करेंगे और उसको प्यार करेंगे। और वो कैसे प्यार, तो वो ब्लेसिंग मतलब वो आशीर्वाद देंगे, किस ऑफ ब्लेसिंग, वो क्या करेंगे, तो वो आपको प्रार्थना करेंगे आपकी लंबी आयु के लिए। इसमें जो हार्ड वर्ड है बच्चों वो है टच यानी स्पर्श करना, फॉर फॉरहेड माथा, किस यानी चूमना, ब्लेजिंग यानी प्रार्थना। टच का मतलब होता है स्पर्श करना, फॉरहेड का मतलब माथा, किस यानी चूमना और ब्लेजिंग यानी प्रार्थना। फिर से हम स्टेंजा देखेंगे, इसमें दिया है दिस सॉन्ग जो मेरे गीत हैं वो क्या करेंगे, तो टच तुम्हारे मस्तक को छुएंगे और तुम्हारे मस्तक को छू के तुम्हारे मस्तक को किस करेंगे, तुम्हारे चूमेंगे और वो कैसे चूमेंगे, तो ब्लेसिंग मतलब कैसे ब्लेस करेंगे, तो वो एक प्रार्थना के रूप में ब्लेस करेंगे। इसके बाद जो तीसरा स्टेंजा है, when you are alone it will sit by your side and whisper in your eyes, when you are in the crowd it will fence you about with aloofness। बच्चों इसमें जो हार्ड वर्ड है alone, अकेला, sit by you, योर साइड का मतलब बी साइड भी होता है, बाजू में, विश्वर, विश्वर का मतलब कानाफूसी या धीरे धीरे बोलना, उसके बाद क्राउड, क्राउड यानी होता है भीड़, फेंस यानी घेरा, घेरा बांधना, अलोफनेस मतलब दूरी। इसमें दिया है
स्टेंजा में कि वैन यू आर अलोन, जब तुम अकेले रहोगे, वैन यू आर अलोन, जब तुम अकेले रहोगे, इट विल साइट बाय योर साइड, मैं कहाँ पे आके बैठूंगा, तो तुम्हारे बाजू में बैठूंगा, एंड विश्पर इन योर आइज योर ईयर सॉरी एंड विश्पर इन योर ईयर, और मैं तुम्हारे कानों में हल्के से बात करूंगा, वैन यू आर इन द क्राउड, जब तुम भीड़ में कहीं फंस जाओगे, इट विल फेंस, तब मैं तुम्हारे तरफ घेरा डालूंगा, यू अबाउट विथ अलोफनेस, और तुम्हें दूर लेके जाऊंगा। द फोर्थ स्टेंजा, चौथे स्टेंजा में बच्चों दिया है, माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम, इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्च ऑफ अननोन। इसमें दिया है पेयर, पी ए आई आर, पेयर, पेयर ऑफ विंग्स मतलब पंख, तो कैसा पंख, जोड़ी वाला। उसके बाद ड्रीम, डी आर ई ए एम, ड्रीम यानी बच्चों सपना, ट्रांसपोर्ट मतलब पहुंचाना, पहुंचना, एच ई ए आर टी, हार्ट मतलब धड़कन, वर्च किनारा, अननोन अज्ञात स्थल। इसका मतलब स्टेंजा में दिया है, माय सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स, मेरे जो गीत हैं वो कैसे हैं, तो पंख हैं। किसके पंख हैं, टू योर ड्रीम, तुम्हारे सपनों के पंख हैं, जो ट्रांसपोर्ट योर हार्ट, जो तुम्हारे दिल को लेके जाएंगे उस जगह, अनजान जगह पे, और तुम्हारा मन बहलाएंगे। द फिफ्थ स्टेंजा, पांचवें स्टेंजा में बच्चों बताया गया है, इट विल बी लाइक अ फेथफुल स्टार ओवर हेड व्हेन द डार्क नाइट इज ओवर योर रोड। फेथफुल का मतलब होता है विश्वासु, फेथफुल का मतलब होता है विश्वासु, और यहां पे इसका मतलब होता है ध्रुव। स्टार का मतलब होता है तारा, ओवर, ओवरहेड का मतलब होता है सिर के ऊपर, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। इसके इसमें ये बता रहा है इस स्टेंजा में, इट विल बी लाइक अ फेथफुल स्टार ओवर हेड व्हेन द डार्क नाइट इज ओवर द रोड। ये क्या है, तो ये वो फेथफुल ध्रुव तारा है, जब अंधेरे में जब तुम अपना रास्ता भूल जाओगे, दम डार्क अंधेरे में जो प्रकाश होगा तो कैसा होगा, तो वो होगा ध्रुव तारा की तरह। दोस्तों छठे में बताया गया है, माई सॉन्ग विल सीट इन द पुपिल्स ऑफ योर आइज एंड विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ थिंग्स। मेरे जो गीत हैं वो क्या करेंगे, तुम्हारे आँखों में बसेंगे और तुम्हारे दिल में जो चीज़ छुपा है उसको वो बाहर लाएंगे। सेवेंथ स्टेंजा में बताया गया है, एंड व्हेन माय वॉइस इज साइलेंट इन डेथ, जब मेरे जो शब्द हैं मृत्यु पे जब शांत हो जाएंगे, जब इंसान मरता है तो वो बोलता नहीं है, तब माय सॉन्ग विल स्पीक इन योर हार्ट, मेरे जो सॉन्ग है, मेरे जो कविता है वो तुम्हारे दिल के धड़कन में बोलेगी। इसी में एक कविता मैं आपको बोलता हूँ, मेरे गीत घेर लेंगे तुमको बाहों में अपनी, मेरे गीत घेर लेंगे तुमको बाहों में अपनी, जैसे प्यार स्वयं डाले आकर गलगैया मेरे बच्चों को, जैसे प्यार स्वयं डाले आकर गलगैया मेरे बच्चों को, मेरे गीत चूम जाएंगे तुम्हारा माथा, जैसे स्वयं चूम जाए आकर मस्तक आशीष तुम्हारा। कभी जब
कभी जब तुम बैठे होगे चुपचाप अकेले कुछ गुमसुम से, कभी जब तुम बैठे होगे चुपचाप अकेले कुछ गुमसुम से, बैठ जाएंगे आकर पास तुम्हारे गीत मेरे, बैठ जाएंगे आकर पास तुम्हारे गीत मेरे, और कर जाएंगे कुछ प्यारी सी कानाफूसी बातें, और कर जाएंगे कुछ प्यार ऐसी कानाफूसी बातें। कभी कभी जो खोते देखेंगे तुम्हें भीड़ के कोलाहल में, कभी जो खोए देखेंगे भीड़ के कोलाहल में, तुम्हें खींच जाएंगे लक्ष्मण रेख तुम्हारे और भीड़ के बीच में, तुम्हें दे जाएंगे एकांत गीत मेरे, तुम्हें दे जाएंगे एकांत गीत मेरे। गीत मेरे बनकर के पंख तुम्हारे सपनों का देंगे उड़ान, गीत मेरे बनकर के पंख तुम्हारे सपनों का देंगे उड़ान उनको, और कारवा लाएंगे शेर तुम्हारे प्यारे से दिल को अचूक आसमानों की। कभी कभी जब घिर जाए घनघोर अंधेरा जीवन की राहों में, कभी कभी जब घिर जाए घनघोर अंधेरा जीवन की राहों में, तुम्हारी गीत मेरे बन जाएंगी ध्रुव तारा, जो हो अटल सुहाना सफ़र तुम्हारा, जो हो अटल सुहाना सफ़र तुम्हारा। गीत मेरा गीत मेरे जा बैठे बैठेंगे आँखों में तुम्हारी, गीत जा बैठेंगे आँखों में तुम्हारी, और ले जाएंगे दृष्टि तुम्हारी वो चीज़ों की अंत स्थल पर, जो जब नित्य कर जाएंगी जब मौन मेरे गीतों की, जब नित्य कर जाएंगी जब मौन मेरे गीतों की। गूंजेंगी गीत मेरे धड़कन में तुम्हारे, गूंजेंगी गीत मेरे धड़कन में तुम्हारे, हृदय तुम्हारा गीत सुनाएगा तब मेरे, हृदय तुम्हारा गीत सुनाएगा तब मेरे। दोस्तों, तो ये हमारे आज का पोयम समाप्त हुआ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।